नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज लाइव ट्रेडिंग सेशन चालू करता हूँ, तो आप लोग को दिखाऊंगा बाय सेल लेवल्स और मेरा चार्ट का सेटअप्स कैसे काम करता है और कैसे बाय सेल लेवल्स को यूज़ करना है। तो दिखाने के लिए मैंने ये बनाऊंगा, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और इसका फीडबैक आप लोग जरूर देंगे और इसको ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करता हूँ वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीस है, टेक्निक्स है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान कर देगा। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, इसका जो ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है इसका कैसे स्किनिंग करना है, क्या क्या है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को इसमें प्रॉफिट कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, वही आप लोग को दिखाता हूँ कैसे इसको ट्रेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने फाइल अपडेट कर लिया, कल का जो फाइल मैंने शेयर किया था एंड ऑफ द डे फाइल मैंने मेरा ग्रुप पे शेयर किया था, आप लोग को व्यू भी दिया था यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के। तो इसको मैंने आज सुबह फिर से अपडेट किया, तो उसके बाद ही आप लोगों को सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए इधर कैसे बाय सेल लेवल्स दिखाता है और क्या पोजीशन है। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन और इंडेक्स का मैंने मेनली दिखाऊंगा। तो इंडेक्स का देखिए, निफ्टी का जो अभी चल रहा है 8996, तो इधर पहले तो इधर 9001 दिखा रहा है, तो 9001 तो ऑलरेडी तो नज़दीक है, तो इसीलिए मैंने 9015 को पकड़ रहा हूँ बाय सेल लेवल 1। और सेल का लेवल ये सर 8972 और बैंक निफ्टी का बाई का लेवल 19726 का ऊपर और सेल का लेवल होगा 19553 के नीचे। ये है एक सेल एक बाय सेल लेवल। दूसरा देखते हैं, अब लोग जानते हैं मैंने कंपेयर करके उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। तो इधर देखिए ये 9047 दिखा रहा है, तो ये भी हम लोग को दिमाग में रहेगा और ये 8986 के नीचे ये सेलिंग आएगा। इसके बाद और भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेता है, बहुत सभी लेवल कंपेयर करके उसके बाद ही ट्रेड डिसीजन लेना है। तो इधर तो ये तो ऊपर ही चल रहा है, इसको 9030 में बाय सेल लेवल 3 में 9030 दिखा रहा है और 8772, ठीक है। अब लोग को जस्ट लेवल दिखा के उसके बाद इधर 8700 ये तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और इधर इसके बाद जो लेवल आएगा ये गान का लेवल है, ये 9023 के ऊपर बाई करने के लिए और 8999। तो 8999 इतना नज़दीक तो मैंने नहीं सेल करने वाला हूँ, 8987 उधर देखा है, 8900 इतना इधर कितना देखा वैसे लेवल 1 में 8972। तो उस 8972 इधर और 9023 और इधर बाई का लेवल, उसका नेक्स्ट अपर लेवल था 9015, उसके बाद 9024 और इधर बाई का अपसाइड दिखा रहा है 9023, ठीक है 9023 को पकड़ता है ऊपर में और इधर 8972 अभी भी कुछ लेवल दिखना है। इधर 9015 दिखा रहा है बाई का लेवल, 8995 और इधर इधर 9028 दिख रहा है, ठीक है इधर 9028 दिख रहा है, इधर 9028 दिख रहा है बाई का लेवल और इसका लेवल दिख रहा है 19556, वो तो हो चुका है 19828 के बाद ही देखेगा एक्चुअली 19000। इधर बाई का लेवल था 727 कितना देखा वैसे लेवल 1 में बैंक निफ्टी का 19726, ठीक है उसी को पकड़ के अभी भी उसी को पकड़ के चलता है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। और इधर सेल का लेवल आएगा
इसका ₹9,800 हो चुका है। ये अपसाइड दिख रहा हूँ, डाउन साइड में 8,919 और 19,566, और इधर सेल का लेवल दिखा 8,972, और बाय सेल लेवल वन में 8,972 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी लेवल्स देखता है। मैंने जो प्रेफर करता हूँ मेनली वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड लेवल्स, वो एक बार देख लेता है। फिबोनाची लेवल्स तो अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा दूर दिखा रहा है, 9,093 दिखा रहा है बाई का लेवल, और 8,928 सेल का लेवल दिखा रहा है। और इधर देखिए, इधर 9,018 दिखा रहा है बाई का लेवल, और इधर 19,688 दिखा रहा है, और इधर सेल का लेवल दिखा रहा है 9,003 और 19,641। ठीक है, चलते हैं फिर डॉल देख लेता है। इधर 9,032 के ऊपर देखता है, और इधर 735 देख रहा है, और इधर सेल का लेवल आएगा 8,989 और 19,595। तो इसी के पकड़ से हम लोग चलते गए, और ये लेवल निकल जाएगा तो मैंने नेक्स्ट लेवल में एंट्री करूँगा हम लोग। और इधर फिबोनाची का लेवल 9,062 दिखा रहा है, 8,686 दिखा रहा है, और भी एक लेवल देख लेते हैं, वो है ये बहुत ही बढ़िया तरीक़े से काम करता है, ये 9,030 दिखा रहा है, मतलब वो 9,032, तो हम लोग 9,032 पकड़ूँगा। और इधर सेल का लेवल दिखा रहा है 8,943, ये थोड़ा सा दूर रहता है, तो इधर इसका जो लेवल दिखा रहा है सेल का लेवल, और भी लेवल कुछ देखना है एक बार देख लेने दीजिए। इधर से जो लेवल्स दिखता है एक बार सभी में देख रहा है, सभी एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना दूर है, तो इधर 9,025 दिखा रहा है। ठीक है, 9,032 हम लोग पकड़ेंगे। इधर 19,670 दिख रहा है, और इधर 8,982 दिख रहा है, हम लोग 8,982 पकड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका भी कुछ टू रेंज क्या दिख रहा है, एवरेज टू रेंज 8,005, सॉरी इधर बाई एंट्री दिख रहा है 978 के ऊपर, बहुत ही ऊपर है फिबोनाची का लेवल। और इधर ATR का लेवल 9,126 वो दिखा रहा है, और इधर ये तो छोड़ देता है, बहुत ही बड़ा लेवल है। इधर 9,016 दिखा रहा है, 9,022 दिखा रहा है, 9,034 दिखा रहा है, तो इधर उसके ऊपर ही एंट्री लेंगे। और इधर 8,987, तो 8,972 के नीचे ही हम लोग लेंगे। और इधर दिखा रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन और स्कोरअप 12 को एक बार देख लेते हैं, वन स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वन डे का हिसाब से वो क्या दिखा रहा है एक बार देख लेना है। अच्छा, तो इधर 9,019 दिखा रहा है, 9,019 दिखा रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन हिसाब के, हम लोग 9,032 ही पकड़ेंगे। उसके बाद ये सेल का दिखाएंगे 8,995, और हम लोग 8,972 पकड़ेंगे। तो कौन सा लेवल फाइनल हुआ, तो ये लेवल को हम लोग फाइनल करते हैं कि 8,000, उसके बाद चार्ट में जाएंगे, वो लेवल निकल जाएगा, कोई दूसरा लेवल पे एंट्री लेना है। तो इधर 8,932 और 19,735 के ऊपर बाई करेंगे, और नीचे सेल करेंगे, सेल करेंगे 8,972 के नीचे सेल करेंगे, और 19,595 के नीचे बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। तो चलिए चार्ट में देखते हैं, चार्ट में ऑलरेडी ये तो बैंक निफ्टी तो नीचे आ गया है, तो इसका नेक्स्ट लेवल पे हम लोग को देखना है। चार्ट में सेल का लेवल 595, उसके बाद 526 के हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, और इधर अभी तक लेवल आया नहीं है, हाँ उधर भी लेवल आ गया है, तो निफ्टी को हम लोग
एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं चार्ट का क्या पोजीशन है, तो उसको भी हाँ, तो इधर निफ्टी को हम लोग इधर से सेल कर सकते हैं। हाँ ये बैंक निफ्टी भी आ गया है 8,900, हाँ निफ्टी आ गया है 8,972 के नीचे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए 8,972 और ये 19,526, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकता है, इसका इसका पुट ऑप्शन आप लोग सेल कर सकता है। चलिए इसको देखते हैं, चलते दीजिए देखते हैं कहाँ कार्ड ये मतलब इसका कितना दूर आ सकता है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स में भी ट्रेड करने का इरादा है, तो मैंने अभी एक्चुअली जो मार्जिन कम मिलता है और ऑप्शन का प्राइस हाई हो रहा है, तो इसीलिए मैंने स्टॉक्स में कुछ ट्रेडिंग कर लेना चाहता हूँ। तो आप लोग का अंदर कुछ कोई कोई लोग फ्यूचर या ऑप्शन में काम करना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने इनसे इंडिया साइट में जाएंगे, देखिए बैंक निफ्टी 430 में आ गया, 526 से ये 430 में आ गया है। निफ्टी का क्या देखना पड़ेगा, देखते हैं। मैंने जो लेवल था उससे से एकदम बिल्कुल आने के बाद ही ये बिल्कुल एकदम गिर गया है। तो और बैंक निफ्टी का क्या हुआ है देख लेता है, वो भी शायद 8,960 तो तभी दिखा रहा था, 8,959 दिखा रहा है, तभी उस टाइम ही 8,900 नेट में थोड़ा सा रुक गया है। नेट को ठीक से आने दीजिए, निफ्टी 8,997 चल रहा है, 72 से मैंने दिया था, तो ऑलरेडी शायद ऑलरेडी और भी नीचे 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 आया था। इधर से चार्ट पे पता चलेगा, इधर से इसको हटाता है, इधर कितना लो मारा है आप लोग इधर से देख सकता है। और इधर ये तो निफ्टी बैंक दिखा रहा है, निफ्टी को एक बार देख लेता है। निफ्टी आप लोग देख सकते हैं 8,944 आ गया, 8,944 आ गया। तो दोस्तों इसका वोलाटिलिटी इतना थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका वोलाटिलिटी थोड़ा सा जितना कम हुआ है उतना हम लोग का अच्छा है। तो आज एक्सपायरी का दिन है, इधर ऑलरेडी ये लो मार चुका है, 8,944 का लो मार चुका है। तो इसका नेक्स्ट लेवल हम लोग को देखना पड़ेगा, इसके बाद ये कौन सा लेवल पे आ सकता है। तो निफ्टी का जो कि 760 के नीचे ये 8,926 तक इसका आने का चांसेस है, और बैंक निफ्टी 19,399, ठीक है। तो उसको 19,399 और 8,926 देखता है, फिलहाल तो 8,944 तक हम लोग देखा है, और जब ऊपर जाएगा तो उसका लेवल भी आप लोग को बता दूंगा। ऊपर इसको पकड़ना है, एक मिनट, ऊपर इसको को जो देखना है वो है 9,032 के ऊपर ही ऊपर ऊपर का लेवल आएगा, ठीक है ना। ये अभी सेल का ही जारी है, सेल का ट्रेंड चालू है, 8,926 तक आता है क्या नहीं आता है देखता है, ठीक है। और जो स्टॉक करने के बाद मैंने स्टॉक करने के लिए मैंने एनएस इंडिया साइट में गया है, तो एनएस इंडिया साइट से इसका देख लेता है इस बार कौन सा टॉप गेन किया है। देखिए सिप्ला, टाटा मोटर्स ये सब टॉप गेनर है, और इधर इधर से टॉप लूजर है हिंदुस्तान, इंडसइंड बैंक, इटालिया, ठीक है। एक बार मार्केट वॉच को देख लेता है, देखिए अभी जो मार्केट का बीआर ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग आप में कोई जो स्टॉक्स है उसको नहीं लेंगे, जो नीचे जाने का चांस है उसी को ही लेंगे। टाटा मोटर्स तो ऊपर है 69, अभी 76 इसका हाई गया था, अभी 74 चल रहा है, और सिप्ला है, मारुति है,
मैंने देखता हूँ कौन सा देखता है, मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को फिर से अपडेट दूंगा। आप लोग नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने बोला था निफ्टी 8,925 के नीचे 925 तक आ सकता है, ये 8,909 तक आ चुका था, उसके पहले 8,917 इसका लो था। तो मेरे को मेरा और मैंने एक ट्रेड लिया है इसमें, टाटा मोटर्स में मैंने एक ट्रेड लिया है, 5,73.50 में इसका ट्रेड लिया हूँ, 73.50 में इसका ट्रेड लिया हूँ। तो देखते हैं इसका क्या होता है। और इसका देखते हैं निफ्टी और भी नीचे आएगा तो कितना दूर तक आ सकता है। और निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत ही गिर चुका है, 8,67 के 8,926 तो हो गया है, 8,926 के नीचे ये 8,885 तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी है, और जितना मेरा जाता है 8,845 तक इसका आने का बहुत ही चांस है। और इधर का लेवल भी एक बार देख लेता है, सॉरी ये नहीं है, ये लेवल का 8,845, इसका लेवल एक बार देख लेता है, 8,899 का नीचे ये, 8,943 का नीचे ये, 8,899, 8,856 तक आने का चांसेस है, 8,899, उसके बाद 8,856 तक इसका आने का चांसेस है। देखते हैं क्या होता है। इधर से आप लोग निफ्टी का भी देख सकता है, ये 8,909 तक गया है, और मेरे को एक बार फिर से फाइल को भी अपडेट कर लेना है, क्योंकि इधर इसका लो चेंज हो गया है, तो मेरे को एक बार अपडेट कर लेना चाहिए। इसका जो लो हुआ है अभी 8,09, और करेंट प्राइस चल रहा है 8,937, 8,937 चल रहा है। 8, अरे यार सा रुक रहा है भाई, इधर से मेरा तो कुछ प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कुछ, देखते हैं। 8,909, और इधर करंट वर्कर्स में चल रहा है 8,921, 8,921 चल रहा है। और बैंक निफ्टी का एक बार देख लेता है, बैंक निफ्टी को देख लेता है, सेक्टर में आ चुका है, सेक्टर का वेट करेगा क्या, तो एक बार ब्रेक कर दिया यार, थोड़ा सा आ जाएगा। तिहत्तर में बहुत छाप ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और 73 भी ब्रेक कर चुका है। एक उसका निफ्टी को 8,900 के नीचे जाना चाहिए, 8,900 के नीचे जाएगा तो ये और भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, देखते हैं इसका। 8,900 का नीचे अभी तक नहीं आया है, 8,909 के नीचे तो आ गया है, जिसका लो था, लो ब्रेक कर चुका है, 8,905 में आ गया है, 8,904 इसका क्या होता है एक बार देख लेता हूँ। निफ्टी थोड़ा सा लगता है, इसका निफ्टी में थोड़ा सा
को बता रहा है, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा काम गया है यार। उसको देखते हैं, और वैन निफ्टी को भी एक बार अपडेट कर लेना चाहिए। वैन निफ्टी को अगर 8,904 और 1,920 9,420 तक चल रहा है, और वैन निफ्टी का दिखता है, वैन निफ्टी का जो सेलिंग था 8,526 के नीचे, इसके बाद पहले 8,586 का था, तो मैंने छोड़ ही देता हूँ। 8,526 से मैं पकड़ता हूँ, तो 8,526 से ये अभी आ गया है 19,526 से अभी आ गया है 19,205 में इसका लो गया था। पहले वाला लो था इसका 19,395, तो 19,205 इसका न्यू लो है, और अभी चल रहा है 19,286। तो और फ्यूचर का भी एक बार अपडेट कर लेता है। क्या हाल है, मेरा कभी ग्रोथ कर लेना चाहिए। उस टाइम 8,900 का नीचे नहीं किया है, 1,500 गया। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। और इसका क्योंकि मार्केट अभी भी बुलियन ट्रेंड में है, तो होपफुली कुछ मिल जाएगा। टाटा मोटर्स अपसाइड में था, लेकिन इसका जो उसके बाद इसका जब लेवल आया है तो बहुत ही गिर चुका है। 76 से ये ऑलरेडी गिर चुका है 73 के नीचे, और इसका लो था इसका अभी भी इसका 80 का नीचे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, और फ्यूचर को भी एक बार अपडेट कर लेता है। मैं निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर जो है इसको भी एक बार अपडेट कर लेते हैं, इसका लो और करेंट प्राइस। लो हुआ 8,891, 8,891 और 8,000 और चल रहा है 8,915, 8,915। तो इसका इसका मैग्निफ्टिका क्या हुआ है, मैग्निफ्टिका 19,115, 19,115 और इसका चल रहा है 19,241, 19,241। ठीक है दोस्तों, जो नया लेवल बनेगा आप लोग को दिखाऊंगा। इसका बाई बनता है 8.68 के ऊपर, और ये 511 के ऊपर, और भी बहुत सारे लेवल्स देखना है। ये लेवल ही फाइनल नहीं है, और भी बहुत सारा लेवल देख के ही आप लोग को बताऊँगा। इसका अपडेट करना है, सब
देता है, ये क्या लेवल दे रहा है, इसका क्या कौन सा क्या लेवल दे रहा है एक बार देख लेता है। इसका जो लेवल आ रहा है 8930 तो हो चुका है, 8973 पकड़ गया और 19346 के ऊपर और नीछे 8906 19291। मैंने मैंने लास्ट जो है वो स्टैंडर्ड डिविजन वाला इसी को देख लेते हैं। उसका जो लेवल दिख रहा है तो इसका 8931 तो हो गया, 8968 का लेवल ही दिख रहा है। और इधर सेल में इसका 8911 का नीचे 8903 के नीचे सेल लेना चाहिए, ठीक है, और 19197 के नीचे सेल लेना चाहिए। और इधर इधर जो लेवल दिख रहा है, इधर जो लेवल है अभी भी सेल ट्रेंड ही है। सेल का जो मतलब हम लोग का एंट्री लिया था उसका ही चालू है, तो इसके बाद बाई बन सकता है 8935 के ऊपर बाई बन सकता है, तब एक बार देख लेता है। और 8906 के नीचे कुछ एक्सपेक्ट, 8906 के नीचे आएगा तो 8892 तक आ सकता है। और भी लेवल देख लेता है, इधर 8942 के ऊपर कुछ 8964 तक आ सकता है, 9509 तक भी जा सकता है। और सेल का जो है 8899 के नीचे आना चाहिए इसको। और इधर का जो लेवल है ये 8995, एक्चुअली 8995 के ऊपर ही भाई होना चाहिए। और सेल तो आना चाहिए 8909 के नीचे, 8865 तक आना इसका आने का पोटेंशियल है। तो देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम हो गया, 27 मिनट हो गया है, थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा नहीं तो मुझे इसमें कुछ ऑफ हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, थोड़ा सा लॉस भी करा है। देखते हैं अच्छा का शायद आप लोग को बाद में अपडेट दूंगा उसके पॉज कर सकता है, बस हम लोग पॉज। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने पहले जो सुबह में जो मैंने दिखाया था कि 8972 के नीचे वो 8900 तक इसका आ गया था, 8904 ऐसा कुछ था, उसके बाद 8995 के ऊपर जो बाई लेता था, उसके बाद ये अभी तक 9108 तक ये गया है। इसका 9000 नेक्स्ट लेवल 9200 का एक तक जाने का पोटेंशियल है, लेकिन ऐसा नहीं होने का चांसेस कम है, ये शायद फिर से ये नीचे रिवर्सल होकर नीचे आने का चांसेस है, तो देखते हैं बाद में फिर से अपडेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल फिर से हाजिर हूँ। अभी जो मार्केट का जो स्थिति है ये 9022 के नीचे ये 9000 तक आ सकता है, उसके बाद 8958 और इसका जो 9022 के नीचे 9000, उसके बाद 8858 और ये जो बाई हो सकता है इसका 9066 के ऊपर बाई हो सकता है, 9087 उसके बाद 9134 इसके बाद और भी ऊपर जा सकता है, तो लगता नहीं है कि क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो धन्यवाद, और मैं जो लिया था उसका थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, 73 के नीचे आया था लेकिन उस टाइम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर किया, तो थोड़ा सा एवरेज करके थोड़ा सा देखता है शायद प्रॉफिट आ जाएगा, देख लेता है। और अभी थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, फिर से देखूँगा लास्ट में। मार्केट 9003 तक आ गया है, इधर आप लोग देख सकता है, इधर भी देख सकता है, तो चार्ट में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा मेरा ट्रेड के ऊपर नज़र रख रहा हूँ, तो आप लोग भी देख सकता है अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में या अपना वेबसाइट से। तो इसका 9000 के नीचे ये 8958 तक आने का प्रोबेबिलिटी है, क्लोजिंग शायद 9000 के नीचे ही होगा ऐसा ही उम्मीद रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने बोला था कि
9066 के ऊपर फिर से भाई आएगा। पहले तो 9000 तक, 9022 के नीचे 9000 तक आया था, तो उसके नीचे गया नहीं। उसके बाद मार्केट रिवर्सल हुआ, 9066 के ऊपर भाई हुआ है, तो अभी 9125 तक चला गया। आप लोग इधर से देख सकता है, मेरा फाइल इधर से खुल नहीं रहा है अभी, एक मिनट करता हूँ। हाँ ये देखिए 9000 तक ये आया था, 9000 के आसपास, इसके बाद 9066 के ऊपर वाई का लेवल था। को पहले दिखा चुका था, ये लेवल नहीं है, ये लेवल नहीं। हाँ ये देखिए 9066 के ऊपर वाई का लेवल था, 9087, 9134 तक आने का प्रॉबिलिटी है, अभी 9125 तक, 27 तक गया है, उसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करता है।